भाई बहुत ठंडा है। बट कुछ कुछ इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जो किसी दूसरे का सोचते नहीं है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। पिछला वाला व्लॉग जो है वो रात को एडिट करके मैं आई डोंट नो व्हाई 11 बजे तक मेरे को इतनी खतरनाक नींद आ गई थी, तो मैं एडिट करते करते एकदम बीच में सो गया था। फिर एक तो कुछ तो जादू आई, फिर मैं सुबह 7 बजे उठ के मैंने एडिट किया एंड पूरा व्लॉग जो है वो अपलोडिंग पे लगा दिया। और बाकी जो है आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा कि हम भाई बहन गए थे ऋषिकेश, बट वो ये कि फैमिली नहीं जा पाई थी, बट आज हमारी पूरी फैमिली जा रही है हरिद्वार। बाकी हमारे पापा यहाँ पर टेंशन में बैठे हुए। ऐसा क्या टेंशन है भाई? टेंशन थोड़ी है, ठंड लग रही थी, धूप सेक रहा हूं। अच्छा, धूप सेक रहे पापा जी। बाकी मैंने पापा को यही बोला दैट कि जब दीदी की शादी हो गई अभी एंड दीदी नहीं है तो कितना सुनसान हो जाता। नहीं, वही पापा को मैंने जस्ट ही बोला, पापा भी बोल रहे कि हाँ यार सुनसान तो हो जाता है, और जब भी बीच बीच में आती रहती है ना दीदी, तब उसके बाद इतनी ज़्यादा चहल पहल हो जाती है। फिर वही है कि अब इट्स लाइफ, इट्स नेचुरल थिंग कि जब दीदी चली जाती है, बेटी चली जाती है, तो फिर हो जाता है सुनसान। गुड मॉर्निंग पापा जी, नाश्ता किया? नाश्ता किया आपने? मैंने नहीं किया, अभी नाश्ता करके आता हूँ मैं। चलो भाई, मेरा नाश्ता भी आ गया है। पापा बोलते हैं हर रोज 20-15 मिनट का तो आपको धूप लेना ही चाहिए, धूप सेकना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। क्या हुआ? डर गया ना? डर गया ना? आकाश दादा ने डरा दिया? ए भगवान, ये क्या बदतमीजी कर रहे? पागल हो गया क्या विक्रांत? अच्छा, वो उसको ना क्या है ना, कंबल उड़ा रहा था, और उसने कंबल क्या है ना, छोटा वाला ना उड़ा के इतना बड़ा, इतना मोटा लेयर इसके ऊपर रख दिया, ऐसे नहीं रखता बेबी। ओके सो गाइज, अभी फाइनली हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, एंड हमारे पास दो गाड़ियां हैं। एक तो ये वाली है जिसमें जितने भी सीनियर सिटीजन है वो जाएंगे इसमें, और एक दूसरी गाड़ी है जिसमें भाई बहन मिलके जाएंगे। हा? क्या कह रहे हो अपने वो पोते को, क्या कह रहे हो? तो फटी हुई पैंट पहन रखी है यार। अरे ये स्टाइल है, अभी आपका बेटा है, ये बड़े होके देखना ये भी यही पैंट पहनेगा। इसके पास आए नहीं कपड़े यार। कपड़े तो है मेरे पास। आपको अच्छे लगे पैंट्स की है? नहीं नहीं लगे, नहीं अच्छे लगे। तो ये कौन सा अच्छा, ये भी गंदा है, ले। बाय बाय। रेडी गाइज, हमारा प्लान था हम मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक निकल जाए, बस वही है कि आप लोग को पता है रेडी कैसे होते हैं ये लोग, तो फिर टाइम लग ही गया, तो फिर अभी 2 बजे निकल रहे हम। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, आप लोग हमारे। जो दूसरी गाड़ी है उसमें सीनियर सिटीजन, और ये वाली गाड़ी जिसमें हम जाएंगे। तो ओ शिट, पहले आगे जो है जो थोड़ा ज्यादा जगह ना घेरे वो बैठेंगे, तो जाओ आप आगे बैठो। मजाक करो, यू गो बिकॉज यू हैव योर चाइल्ड। गुड मॉर्निंग। ओके सो गाइज, हम फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार, एंड लिटरली अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारी जितने भी लोग नहीं आए, हमारे मम्मी पापा। सुलभ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, आहा, ऐसा लग रहा है वो है डीमार्ट। बट यार पब्लिक टॉयलेट जो जितना भी हो ना कम यूज करा करो, इट्स नॉट दैट हाइजेनिक। बट वो ये इट्स डिपेंड कि हमारा प्रेशर कितना है, अगर प्रेशर इतना ज्यादा हाई है तो हाइजेनिक गया बाढ़ में, पहले पेट खाली होना चाहिए, तो ये सब होता रहता है। अगर पब्लिक खुद से अंदर से ना साफ हो तो वो खुद ब खुद पब्लिक टॉयलेट इतने साफ कर देते, बट कुछ कुछ इतने ज्यादा खतरनाक होते जो किसी दूसरे का सोचते नहीं है और इतना गंदा कर देते ना, तो उस चीज से ना बड़ा ही मतलब ऐसा क्या है ना, सैड फीलिंग आती है कि यार शिट ऐसे नहीं होनी चाहिए यार। इंडिया के लोग खुद का तो सोचते ही सोचते दूसरे का भी सोचना चाहिए, बट कोई नहीं, अभी क्या ही बोल सकते हैं यार। मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को ही बता सकता हूँ, बाकी जो लोग मेरा व्लॉग नहीं देखते उनको नहीं बता पता। अभी विक्रांत क्या खाएगा बता, क्या चाहिए? खाने का मन ही नहीं है इसको, पता नहीं क्यों मूड स्विंग हो गया। सो गाइस, ट्रिप पे अगर बच्चे हो तो ऐसा काम दिया जाता है मुझे। वेरी बैड बॉय, वेरी बैड बॉय। यही है कि इतने सारे खिलौने देख के ना बच्चे फिर अपने आप वही हो जाते। मैं भी ऐसा था, मैं इसको बोलूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, बिकॉज मैं भी ऐसा ही था। उसको खिलौना चाहिए तो इसकी वजह से वो रोने लग गया। जब वापस आएंगे ना तब खरीदेंगे, ठीक है? दो दो, वो भी दो। I'll try एक बार। एक लास्ट। हाँ, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा आया। बस लड़कियों के लिए क्या, जहाँ पानी पूरी मिल जाए बस वहीं पर आके ऐसे लाइन लगा लेंगे, और जब आपको खिलौना ना मिले रिएक्शन खिलौना ही नहीं मिल रहा, बिकॉज अभी मैं इसको दिला दूं, बट फिर वो ये कि घूम फिर के आएंगे ना, तब तक वो खिलौना जो है वो गुम हो जाएगा। आजा आजा आजा। कौन सा वाला? ये वाला ले। थैंक यू कौन बोलेगा? हाँ चलो भाई साहब, इतना अच्छा लगता है ना जब इतनी सुंदर जगह इंडिया में होती है एंड बाहर बाहर से लोग आते देखने के लिए। चलो भाई, मैडम खा लिया? फाइनली हमें हमारी फूफू एंड मम्मी मिल गई। चलो भाई चलते, इतना ढूंढते हुए पागल हो गए इनको। सो गाइस, अभी हम कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर, सब फैमिली को अभी भूख लग रही है। ये रोटी है या फिर क्या है ऐसा इतना बड़ा रोटी? मैंने तो अभी मंगा रखा है आलू पूरी, तो आलू पूरी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं जब आ रहा था यहाँ पर तो रस्तों में मेरे को आलू पूरी इतना टेस्टी लग रहा था ना, तो फिर मैंने बोला यही आके यही खाऊंगा। आरती किधर होता है? इधर होता है, 5:30 बजे चालू होगा ना? 5 बजे पूजा स्टार्ट होगा, भीड़ हो जाता है काफी, तो जगह नहीं मिलेगा आपको, जगह नहीं मिलेगा। सो गाइस, 5:30 बजे ना आरती होने वाली है, बट अभी क्या है ना 4:15 हो रहे हैं और इतने सारे लोग अभी से ही रेडी हो चुके। देखो भाई साहब, अभी हम भी जाएंगे, थोड़ा बहुत फोटो खींच रहे, फिर उसके बाद हम भी निकलेंगे।
सब साथ में सबके रुक जाओ सबका दे रहे हैं निकालो निकालो इधर। सो गाइस ये मंदिर के पंडित जी हमारे क्या नाम है आपका भविष्य शर्मा भविष्य शर्मा जी हमारा भविष्य बता दो क्या मजाक कर यहाँ पर आरती होती है गंगा माता को अच्छा 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 यहाँ पर ओ यहाँ पर होती है अच्छा और वहाँ से देखो लोग देख रहे हैं नहीं सो गाइस अभी हम करने वाले हैं गंगा में डुबकी भाई जो भी है पानी बड़ा साफ है मतलब इतना प्यारा सुंदर सा एंड बहुत सारे जितने भी आरती वगैरह है वो सब यहाँ से जा रहे हैं एंड कुछ कुछ लोग जो है सिर्फ जिनको डुबकी मारने को बोला है वो यहाँ पर 3 साल से जो नहीं नहाए वो नहा रहे अभी ओए देखो वो तो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है अपना वेरी गुड यहाँ पर सिर्फ डुबकी मारना है भाई अपना क्या है पाप धोने तुम तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो चलो अभी चलते हैं अभी चेंज कर लेते कपड़े जल्दी आओ स्नान करने So, ये मेरा अभी दूसरा टाइम एक्सपीरियंस है बिकॉज मैं पहले टाइम आया था डुबकी मारने के लिए तब मेरे को इतना ज्यादा ठंड नहीं लगा था बट इस टाइम पे ये वाले जल पे डुबकी मारा भाई बहुत ज्यादा ठंड है ओके सो गाइज आरती वगैरह जितना भी था वो सब कुछ हो चुका है एंड इतना मजा है लिटरली वहाँ की वाइब इतनी ज्यादा अच्छी इतनी ज्यादा प्योर थी कि भाई जितना टाइम भी बैठो बैठ सकते थे मतलब लिटरली इतना अच्छा लगा इतना सब कुछ मतलब बोलते ना सब कुछ भुला के सिर्फ एक चीज पे फोकस करना और वो आरती पे हो एंड आरती इतनी सुंदर थी कि भाई पूरा टाइम उधर बैठा रहा एंड पैर इतनी ज्यादा ठंडे हो गए थे और वो ठंडा भी पता नहीं चल रहा था लिटरली इतना अच्छा लग रहा था। फाइनली अभी हम जा रहे हैं घर वापस से अपने। सो गाइस हरिद्वार में इतना ज्यादा मतलब इतना खतरनाक डुबकी मारा कि भाई वहाँ से इतना ज्यादा ठंड लगने लग गया फिर मैंने बोला चलो भाई अभी खाते हैं मोमोज। यहाँ पर हमने मोमोज मंगाए अभी जस्ट इन्होंने यहाँ पर ठंडा कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर भी कोक ये छोटे ने भी वहाँ पर कोक पिया फिर बाद में कल अगर बीमार हुआ ना फिर सबसे पहला हाथ तेरे गालों पे मेरा ही होगा देखना। बाकी तो अभी मोमो खा लेते भाई इतना ज्यादा ठंड लग रहा है। गरम गरम मोमोज खाओ 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 जल्दी खाओ जल्दी खाओ गरम गरम खाओ क्या खतरनाक पानी पूरी गर्ल्स वालों के लिए तो बहुत इजी हो जाता होगा नहीं इतना बड़ा मुंह खुलता डायरेक्ट एक पूरा खाओ। सो गाइस बैक टू दी होम एंड जो हम हरिद्वार के लिए विक्रांत के लिए गिफ्ट लाए थे वो अभी तक खेल रहा है उसके साथ कैसा लग रहा है अंकल ने गिफ्ट दिलाया कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है वाओ आप भी लाए अपना गिफ्ट अरे वाह। सो बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग होप करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय लव यू।